सबसे पहले इंसान सहरी में जल्दी उठने की कोशिश करे, कम से कम फजर की आजान से पौन घंटा पहले हम उठें। कितने पहले? पौन घंटा पहले। 15 मिनट के अंदर हम अपना ब्रश मंजन, अपना जो भी कुछ हमें फ्रेश होना है, वजू, इन सारी चीजों से हम क्या हो जाए, फारिग हो जाए। अगले 15 मिनट के अंदर हम सहरी कर लें। फिर जो 15 मिनट बचे हैं, उन 15 मिनट के अंदर हम अल्लाह ताला के सामने जो तौफीक हमें मिल जाए, 4 रकात, 8 रकात, 10 रकात, 12 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़े। देखो, हम साल भर तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकते ना, रमजान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मौका फराहम किया कि सहरी के बहाने से हमें तहज्जुद की नमाज की तौफीक नसीब हो जाती। इस मौके को ना जाने दें। अगरचे नफल नमाज है, लेकिन हमें सवाब कितना मिल रहा है? फर्ज के बराबर। फिर सहरी खा के अजान का इंतजार ना करें, बल्कि अजान से पहले मस्जिद में पहुंच जाएं, ताकि अजान आपके कानों में, मस्जिद में आप बैठे हों और आपके कानों में अजान पड़े और अजान का जवाब दें आप। अजान का क्या दें? जवाब। अजान के फौरन बाद आप जो है 2 रकात नमाज सुन्नत मौक्कता पढ़ लें, जो कि फजर की नमाज सुन्नतें हैं, बहुत जरूरी सुन्नतें हैं, उनको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जा सकता। उनको पढ़ने के बाद जो कुछ आपको 2-3-4 मिनट बचे हैं, उन 2-3 मिनट में अल्लाह ताला से मांगे। हदीस पाक के अंदर आता है कि अजान और इकामत के दरमियान में जो दुआ अल्लाह ताला से मांगी जाती है वो रद्द नहीं की जाती है। ये उसी वक्त मुमकिन है जबकि हम अजान होने से पहले कहां पहुंचेंगे? मस्जिद में पहुंचेंगे। अगर अजान होने के बाद पहुंचेंगे तो हम सुन्नत भी नहीं पढ़ पाएंगे, वजू बनाएंगे कि सुन्नतें पढ़ेंगे, जमातें खड़ी हो जाएंगी और तकबीर औला के साथ नमाज पढ़ेंगे। पूरे रमजान भर इस बात की प्रैक्टिस करें कि मेरी कोई तकबीर औला नहीं छूटेगी, मेरी कोई सुन्नत नहीं छूटेगी, और नमाज के बाद अगर हो सके तो मस्जिद में ही, और अगर ना हो सके तो अपने घर पर इशराक तक जगने का मामूल बनाए। फौरन फजर की नमाज पढ़ने के बाद सोने की आदत जो हमारी बन गई है, इस आदत को खत्म करें। अगर कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं, पढ़ना जानते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करें। कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानते, अल्लाह ताला का जिक्र करें। अल्लाह ताला का जिक्र अल्लाह अल्लाह करके तो हम कर सकते हैं, पहला कलमा तो हम पढ़ सकते हैं, अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला कलमा तो हमें सबको आता है, वो हम पढ़ के अल्लाह ताला का जिक्र करें। तीसरा कलमा पढ़ के हम अल्लाह ताला का जिक्र करें। बहुत लंबा वक्त नहीं होता है, मेरे ख्याल से 1.25 घंटे का वक्त होता है, बहुत ज़्यादा। फजर की नमाज से बाद अव्वल वक्त में नमाज हो जाती है, तो फजर की नमाज के बाद से लेकर के इशराक तक का ऐसा वक्त हम अपना जगने का मामूल बनाएं, और इशराक की नमाज पढ़ने के बाद फिर हमें लग रहा है तो हम क्या कर लें, थोड़ी देर के लिए आराम। इस बहाने हमें अल्लाह ताला का जिक्र करने की भी तौफीक नसीब हो गई, कुरान करीम पढ़ने की भी तौफीक नसीब हो गई, और इशराक की नमाज पढ़ने की भी तौफीक हमें नसीब हो गई। अगर हम फजर के फौरन बाद सो जाएंगे तो जिक्र से भी महरूम और फजर की नमाज से भी, इशराक की नमाज से भी हम क्या हो जाएंगे? महरूम हो जाएंगे। उसके बाद आराम करके हम आराम से उठें 1-2 घंटे का, फिर हमें चाश्त का टाइम मिल जाए। उठने के बाद फिर वजू बनाएं अच्छी बशाशत के साथ, जो कुछ नसीब हो जाए 2 रकात 4 रकात हम चाश्त की नमाज पढ़ लें, उसके बाद अपने काम धंधे पर निकल जाएं, फिर जोहर की नमाज बाद जमात पढ़ें, उसकी सुन्नतें पढ़ें, फिर अपनी ज़िंदगी का जो कुछ शेड्यूल है, फिर असर से मगरिब तक का जो वक्त है, इस वक्त को भी हम बचा करके अल्लाह ताला के जिक्र में गुजारने की कोशिश करें। फिर तरावी 20 रकात वाली पढ़ें, साफ सुथरे अंदाज में जहाँ कुरान करीम पढ़ा जाता हो वहाँ पर पढ़ें, तरावी जहाँ पर एक एक लफ्ज़ साफ पढ़ा जा रहा हो वहाँ पढ़ें। आप अपनी नेकियों को ज़ाया ना करें जल्दबाजी के चक्कर में। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने के बाद में भी मुश्किल से 10-15 मिनट का फ़र्क आता है इमाम साहब और हाफिज़ साहब की तरावी में, इसलिए आप 15 मिनट के चक्कर में अपनी नेकियां जाए ना करें। तरावी की नमाज के बाद में इधर उधर बैठने की बजाय, फजूल बातों में लगने की बजाय, और रात इस इंतजार में जगने की बजाय कि सहरी करना है, घर पर क्या कर लें? आराम कर लें, ताकि आपको सुबह उठने में कदर आसानी जाए।